रही हैं, मुझे याद है मेरा बचपन में कितना रोती थी फिर भी मुझे पिला। ये तो सो रही है, अब ये बहुत रोएगी। हो गई स्वाद आ गया होगा। हंस जाएगी लड़की लड़का लड़की। मम्मा मेरी डर मुझे लग रहा यार। मैं ऐसे लटकोगी? देखो तुम्हारी उम्र की है, लटकोगी? ना लटकोगी भैया। क्यों? लेके चलूंगी तुम्हें, मजे आ रहे हैं उसे, वो बंधे हुए गिरोगी थोड़ी। बताओ भरो हामी भरो। मम्मी बताओ। सीरियस हो गए। हे गाइस मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं रख रही हूँ फाइनली इतने दिन के बाद सामान ऊपर मेरे रूम में। मैं तो क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई व्लॉग व्लॉग मैंने ज़्यादा बनाया नहीं अभी, क्योंकि पिछले वाला इतना ही है, पूरे दिन बिजी रहती हूँ उनको एडिट करते हुए। तो अब मैंने कहा कि एक एक बैग करके चलते हैं, नहीं सारे लाने। तो ये वाला तो मैं और मम्मी साथ में ले आए थे, एक और एक फ्लोर अभी ऊपर चढ़ने, ऊपर है मेरा रूम। अब वो नहीं मानेंगे अपने अकेले लेने के लिए, वो हल्के हैं हालाँकि, पर एक साथ पाँच बैग है। अब एक साथ तो मैं खाली करने से भी इतनी ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा है, बता नहीं सकती। मम्मी गैया को रोटी देने चली गई है बीच में। इन औरतों पर इतना काम होता है, पता नहीं कैसे करते हैं एक साथ इतना सारा काम। कि नीचे जा रही हूँ तो गैया को रोटी भी खिला रहूँगी, दूसरे गली के कोने पे वो बनी हुई है हौदी सी, उसमें गैया खाती है। अब वहाँ गई है, फिर आके सामान उठाएंगी। क्यों नहीं मानती हो? कौन अब उधर कहाँ जा रही है? उधर है कमरा, थक गई थक गई। रेस्ट कर लो थोड़ा, सेंता लो। वो उधर से बंद करना, उसे गर्म हवा आती है। आगे चलो, आगे तुम चलो, बजे तुम आएगा भाई। नहीं आता जागी जाता, कौन सा स्कूल में पढ़ेगी? वो काम पड़ी ना, देखना मैं। ये मेरा कमरा जो कि अब स्टोर रूम बन चुका है, या पहले से ही शायद स्टोर रूम था। इसमें बस मेरी एक अलमारी है, हटो ना। ये मेरी बुक्स रखी हैं, मेरी बचपन से डायरीज जो मैंने भरी हैं वो रखी हैं, और बस। और ये सब स्टोर रूम है, कढ़ाई, लाली का पालना, लाली के कच्छे। सिर्फ एक बैग खाली हुआ है और सिचुएशन ये है, इस घर में जगह नहीं है मेरे कपड़ों के लिए। ये तब की बात है जब मुझे कपड़ों का बहुत शौक, मेरे को है क्या गेट पे कपड़ों का बहुत शौक था। मैं अंधाधुंध कपड़े खरीद, सिर्फ कपड़े ही खरीदती थी। अब वो शौक जा चुका है और ये तब की धरोहर रखी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी वो जो दो बैग खुलेंगे ना उनमें तो घर सम आ जाएगा पूरा। अभी इन्हें रखने की व्यवस्था करो, हम रखेंगे। चलो रखते हैं। तो तुम पे जितनी साड़ी है जो नीचे बक्से में, उसकी नहीं कहती हूँ? तो साड़ी तो बड़ी होती है, ये तो छोटे छोटे घर के बाहर के कुछ भी बातें सुनाने के लिए मैंने तुम्हारा वीडियो ऑन किया। ये कपड़े हैं और ये औरत कह रही है कि इसमें आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो रखो 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 फिर फटाफट, जैसे जैसे मैंने लाइन लगाई है मिक्स मत करना। तुलसी मेरी मौसी की बेटी, ये बताओ कि कौन कौन जा रहा है परिक्रमा लगाने?
मेरी पड़ोस की लड़की आ रही है, ससुराल की लड़की है। हाँ हाँ। और मेरी बहन जा रही है, मेरे बहनो जा रहे हैं और मेरी बेटी जा रही है। कौन बेटी? नैना, मतलब मेरी मौसी की लड़की है। हाँ। मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ। मेरी तो हालत खराब है। और इसकी इसकी मम्मी और इसकी बहन जा रही है, तो इसकी मौसी जा रही है। और एक, अरे कहना क्या चाहते हो, मैं तुमने सब कंफ्यूज कर दिया। तो मेरी मम्मी जा रही है, इसकी मम्मी जा रही है, इसकी बहन जा रही है, बड़ी बड़ी तो ज़्यादा नहीं है, 12th क्लास में है। तो ये अकेली थी घर पर, इसके पापा भी जा रहे हैं, तो ये अकेली थी घर पर, तो ये इसे यहाँ फेंक दिया गया है। आज वाला व्लॉग देख लो, अभी तक आया नहीं, रात में लाइव होगा। 50 रुपये लगेंगे पर अर्ली रिव्यू के। अरे ग्लास रखे हैं, पानी में पिया ही वाके आएगा। अरे बाबा रे हैं, तुम तो नानी की तरह कर रही हो। जब हम छोटे थे तो नानी क्या करती थी, जाती हमारे एक एक ग्लास लाइन में लगा देती थी, बार बार गंदे मत करना। तो वो उससे यही कह रही है। मम्मी देख के बेहतर हो जाएंगे। हाँ 9 बजे सब देखेंगे। मम्मी तुम तो यार अभी तक समझ नहीं पाई हो खेल। ऐसे अपने छोटे भाई बहनों से सेवा करवाते रहे और जीवन का आनंद लेते रहे। जलवा है हमारा। हमारी गुड़िया की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, वो बहुत ज़्यादा रोने लग रही थी, पता नहीं क्यों। उसको गली में टहलाया मैंने बहुत देर तक, नहीं चुप हुई, तो भैया भाभी उसको डॉक्टर के पास लेके गए। उतने में मैं, मतलब जाने से पहले वो थोड़ी सी नॉर्मल सी हो गई थी, उसको अब पता नहीं क्या, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत मानते हैं कि नज़र लग जाती है तो मम्मी फटाफट वो रुई वुई से, छोटे बच्चे की नज़र ज़्यादा लगती है तो मतलब देखते हैं तो वो लोग झूठ कह देते हैं, तो ऐसे मम्मी को लगता है कि नज़र लग गई, तो मम्मी ने फटाफट नज़र उतारी। तो पता नहीं उससे हुआ या किसी से भी हुआ, भगवान की कृपा से वो जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई थी। तो अभी गए हैं, शायद कोई मतलब दिक्कत ना हो तो डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लें। बाकी मैं और तुलसी जी, जो मेरी मासी की बेटी है, उसका नाम मैंने बताया था क्या, उसका नाम तुलसी है। तो मैंने उसको कहा, ये बोली क्या करूँ, मैंने कहा मैं तो ब्लॉग एडिट करी थी, मैंने कहा अभी जब वो आ जाएंगे तो घर पे कोई, मम्मी मेरी परिक्रमा लगाने गई है गोवर्धन, तो घर पे कोई है नहीं, कभी हम जा नहीं सकते, तो जब वो आ जाएंगे मैंने कहा कुछ खाने चलेंगे यहाँ पे आसपास, खिला लाऊंगी। तब तक मैं सोचा ब्लॉग एडिट करती थी, मैंने उसको बोला कि तू भी कुछ कर ले, तो उसने मुझसे एक पेपर मांगा, फिर बोलती रही, दिमाग खाती रही, तो इस पर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैंने कहा ऐसा कर ले मेरी ड्राइंग बना ले। तो इसने क्या बनाया, इतना बड़ा मैंने कहानी बस इसलिए सुनाया क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि इसने मेरी क्या ड्राइंग बनाई है। ऐसे लेटी हुई हूँ, ठीक है, वो मेरे पैर हैं पीछे, ये मैं ऐसे लेटी हूँ और इसको, ये मेरे सामने बैठी हुई है जस्ट, तो इसको यही एंगल दिख रहा है, इसको जो एंगल दिखा उससे इन्होंने ये बनाया है। थोड़ा बड़ा ही स्पेस ले लेती। ये जो पीछे दो तार सी लटकी हुई हैं खजूर के पेड़ जैसी, वो मेरे पैर हैं मेरे इसके हिसाब से। और मेरी बैक तो भाई क्या है, ये अनन्नास के फ्रूट जैसी है। और ये एकदम से पता नहीं क्या हुआ बैक में से, अच्छा ये हाथ हैं। ओ अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छा मुंडी वो है, इधर से हाथ निकल रहे हैं। मुझे लग रहा था वो पीछे क्या बनाया है इसने। कौन, क्या नाम था तेरी ड्राइंग टीचर का? नहीं ये तो मैंने नया बनाया। नहीं, तेरी ड्राइंग टीचर का नाम क्या था? श्रुति। श्रुति जी अगर आप मुझे कभी भी किसी भी समय सुने, आज या एक साल बाद या 2 साल बाद, तो आपको बिल्कुल फेल हो गई हैं आप इस बच्ची को ड्राइंग सिखाने पे। कर लिए पॉटी, इस तरीके से धुलाते हैं आजकल के माँ बाप वॉश बेसिन पे। पहला पेल लगी है। मैंने खाए फ्राइड राइस गोलगप्पे और एक मीठा वाला पत्ता जो गोलगप्पे का होता है, मीठी और दही वाला। और अभी मैं लेके आई हूँ पेटीज और एक पेस्ट्री। और इसकी ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इसकी बहन देख रही होगी, वो दूसरी मासी की गई है, तो इसको बहुत टेंशन थी कि वो ज़्यादा मज़े कर लेंगे वहाँ पे। तो नैना अगर तू देख रही है ये ब्लॉग तो इसने भी करे हैं। हेलो दीदी। तो मैं और पापा भी, रात में बजी है 12 और इसके साथ हम लेने आए हैं पनीर की सब्ज़ी। इसमें एक ढाबा है बहुत अच्छा, तो वैसे तो घर पे खाना बना है पर हम लोग आइसक्रीम खाने आए थे, लेकिन पापा को एकदम से सूजा की सब्ज़ी ले लेते हैं। तो रात का वो समय है जिसमें कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं ना, वो समय दिखाती हूँ मैं, झुंड का झुंड। पूरी टीम निकली है।
जा रही हूँ भगवान जी सुनाने, क्योंकि आज मम्मी है नहीं तो मैं करूँगी मी। आ जा।